मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा स्टेट में है। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू। गणित के जादू का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है देखें किधर से। तो प्यारे बच्चों, किधर से हमें देखना है? सामने से, एक तरफ से, आगे से, पीछे से, नीचे से या ऊपर से? तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, जो लेसन समझने वाले हैं, इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें देखने का हमारा क्या तरीका होगा, हम किसी चीज को कितने तरफ से देख सकते हैं, क्या हमारा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। जो इसमें पिक्चर दे रखी है, इन तस्वीरों को हम देखते हैं, इनमें क्या है? तो एक के ऊपर लिखा है धीरज और एक के ऊपर लिखा है अंशुल। तो ये है कौन? ये दो दोस्त है, धीरज और अंशुल, और इन्होंने दो ड्राइंग बनाई है, दो पिक्चर जो बना रखी है ये देखें। और साथ में हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। टीचर ने बोला कि एक कार की पेंटिंग बना के लेके आओ, ड्राइंग बनाओ कार की। हम सबने कार के अलग अलग चित्र बनाए, सबने अलग अलग ड्राइंग तैयार की अपनी अपनी, जो अपने तरीके से तैयार बना के लेके आए हैं। अगले दिन बड़े मजे से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया, वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। अब अंशुल को धीरज का बनाया हुआ जो चित्र है, जो ड्राइंग है, पेंटिंग है कार की, वो देख के हंसी आ रही है। अरे इसमें तो हंसी वाली बात है, ये देखो थोड़ी अजीब सी बना रखी है, ना तो इसके टायर दिखाई दे रहे, ना इसके आगे का शीशा, ना इसका बम्पर और आगे का जो हिस्सा होता है कार का, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे कोई डब्बे हो हैं। तो अंशुल ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। पहले तो अंशुल ने कहा, देखो धीरज क्या बना के लेके आया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़ा डब्बा है और इसके अंदर एक छोटा डब्बा है। अब अंशुल ने उसे अपनी बनाई हुई कार दिखाई, बोला कि ये देखो ये होती है कार, इसमें टायर भी है, आगे पीछे की खिड़कियां भी है, ऊपर का हिस्सा भी है, ठीक है, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, इस तरीके की कार होती है। और अंशुल को धीरज वाली जो पिक्चर देख के हंसी आई काफी। तो प्यारे बच्चों, दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके लिए जो चित्र, जो पेंटिंग थी, जो ड्राइंग थी, वो बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट दिख रही थी। तो प्यारे बच्चों, यही इस हमारे चैप्टर में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि देखें किधर से, कि हमारा हमें किधर से देखना है, जहां से हम देख रहे हैं वो चीज हमें किस प्रकार की दिखाई दे रही है, हम कितने तरीके से किसी चीज को देख सकते हैं। तस्वीर हमने डाउनलोड की है प्यारे बच्चों, अभी इसमें अलग अलग व्यू है देखने का हमारा तरीका। इसमें हमें कार अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं। एक तो इन पर नंबर डाल देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब ये वाला तो बिल्कुल सेम है, ऊपर से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम इनके समझते हैं कि हम किसी चीज को कितने तरीके से देख सकते हैं। तो जो एक नंबर है, एक नंबर में हमें कार कहां से दिखाई दे रही है, सामने से। जो कार है वो हमें कहां, फ्रंट से, एफ आर ओ एन टी, फ्रंट, फ्रंट व्यू हो गया ये हमारा, हो गया फ्रंट, सामने से, ठीक है, क्या हो गया, सामने, सामने से दिखी। उसके बाद दो नंबर की जो कार है, वो फोटो जो है वो हमें कहां से दिखाई दे रही है, कार की किधर से दिख रही है, बैक साइड से। तो ये हमें कहां से दिखेगी, बैक, बी ए सी के, बैक साइड, बैक व्यू हुआ ना, बैक व्यू मतलब पीछे से, पीछे से। उसके बाद तीन नंबर, थ्री नंबर पे है, ये है एक तरफ से, साइड से, साइड व्यू, एस आई बी टी, साइड व्यू, एक तरफ से है ना। एक तरफ से। उसके बाद चार नंबर पे, तो चार नंबर पे व्यू है हमारा कार का देखने का, वो हमारा है टॉप व्यू, मतलब ऊपर से दिख रही है हमें गाड़ी। और एक पॉइंट और हमारा रह गया, अब हमें क्या रह गया, ये देखो पांच नंबर पे, पांच नंबर पे जो है वो हमारा है बॉटम व्यू, नीचे से बॉटम व्यू, कैसे बनेगा, बी ओ डबल टी ओ एम, बॉटम मतलब, बॉटम व्यू मतलब नीचे से, कहां से,
नीचे से। तो इतने तरीकों से हम किसी चीज को देखो, जब गाड़ी हमें कार आते दिखाई दे रही है तो सामने से दिखती है ना, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। जब कार जाती है तो हमें पीछे से दिखती है तो ये हमारा हो गया बैक व्यू। जब कार हमारे आगे से निकलती है तो हमें एक तरफ से दिखाई देती है, दो टायर दिखते हैं ना, तो यह हमारा हो गया साइड व्यू एक तरफ से। और जब हम कभी छत के ऊपर से देखते हैं, नीचे से गाड़ी निकल जाती है कोई, तो छत के ऊपर से दिखते हैं तो हमें गाड़ी है जो ऊपर से दिखाई देगी, तो वो हमारा हो गया टॉप व्यू, मतलब ऊपर से। और ये गाड़ी बिल्कुल नीचे से, बॉटम से, निचली तरफ से वो दिखती है तो वो इस प्रकार की दिखती है। टायर दिखते हैं हमें, नीचे साइलेंसर लगा हुआ दिखता है, तो ये हमारा हो गया कौन सा बॉटम, मतलब नीचे की तरफ से बॉटम व्यू। तो किसी चीज को हम इतने तरीके से प्यारे बच्चों देख सकते हैं। ये तो एक कार है, इतने व्यू हमारे हर एंगल, हर चीज के, कोई भी वस्तु होगी उसको हम इतने तरीके से तो देख ही देख सकते हैं। बच्चों अब मैंने इसको समझने के लिए इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको वो भी अच्छे से दिखे। तो ये धीरज की और ये अंशुल की है। अब मुझे आप देख के बताएं कि कार का कौन सा व्यू है, कि कौन सी, कहां से ये हमें दिख रही है, ये कार का कौन सा व्यू है? साइड व्यू। क्या है? साइड व्यू, ठीक है। और ये जो है, क्या धीरज ने इसको गलत बना रखा है? नहीं, धीरज ने भी इसको सही बनाया हुआ है। लेकिन धीरज को कार कहां से दिखाई दे रही है? ऊपर से, टॉप व्यू से। ऊपर से जब कार दिख रही है तो वो ऐसी, धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ यह अजीबो गरीब चित्र सही है? अजीबो गरीब मतलब अटपटा सा, बिल्कुल बिना देखा हुआ भी, ये कहां से क्या बना दिया इसने, क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उसने ऊपर से टॉप व्यू कार का देखा है। इसके बाद देखते बच्चों, क्या तुमने कभी चीजों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती है या अलग अलग लगती है? कोई भी वस्तु हो प्यारे बच्चों, वो हम साइड से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे और उसको नीचे से देखेंगे, तो वो हमेशा हमें अलग अलग तरीके से दिखेगी, सेम नहीं दिखती। ये मेरा पेन है, ठीक है, ये देखो मैंने साथ पकड़ा है, ये अगर सामने से इसको देखेंगे तो बिल्कुल लंबा लंबा दिखाई देना ना, अगर इसको बिल्कुल ऐसे देखेंगे तो ये डॉट सा बन गया है ना, ये बिल्कुल देखो ऐसे लग रहा है डॉट है। तो हर चीज का अलग अलग एंगल होता है। ये मेरा हाथ का देखो, ठीक है, हैं? और सामने करूंगा तो कैसा दिखेगा? ऐसे मेरी फिंगर की सामने की डॉट दिख रही है ना। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, हर चीज का अलग अलग देखने का अलग अलग तरीका होता है। अब आगे देखते हैं, इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसी दिखती है, कौन सा चित्र मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है। अब देखो ये जो टेबल दे रखी है हमें, तो टेबल है ये, है ये, तो टेबल हमें सामने से दिख रही है। देखो ये ऊपर का इसका बोर्ड है और ये इसकी लेज टांगे हैं, है ना। सामने हमारे क्लासरूम में भी एक टेबल रखी है, तो प्यारे बच्चों आप टेबल को देख सकते हैं कि सामने से वो हमें कैसे दिख रही है। और जब हम उसको ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, तो हमें ऐसा ये एक रेक्टेंगल शेप का बोर्ड दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर का जो उसका हिस्सा बोर्ड है वो दिखेगा ऊपर से, तो ना टांगे तो नहीं दिखेगी क्योंकि वो तो उसके ऊपर वाले बोर्ड के नीचे छिप जाती है। ऊपर से जब हम उसको देखते हैं तो देखना, हमारी टेबल से हमें पता चला कि हमारा देखने, जब हम चीजों को देखते हैं तो अलग अलग पॉइंट, व्यू पॉइंट बनते हैं। अब देखो कुछ और एग्जांपल दिए हैं, नीचे कुछ चित्र बनाकर बनाए गए हैं। जरा सोचो कि जब इन चीजों को ऊपर से देखोगे तो ये कैसे दिखेगी, कहां से देखना है? ऊपर से, मतलब टॉप व्यू, ऊपर की तरफ से हम इनको देखना है। ये पहला क्या है, ये क्या चीज है? ये हमारा है एक प्रेशर कुकर, जो किचन, जो हमारा किचन में मम्मी हमारे लिए चावल बनाती है, मीठे मीठे नमकीन सब्जियां बनाती है। दो नंबर पे है चप्पल, चप्पल जब हम काम नहीं करते उस समय मम्मी हमें खिलाती है ना पटापट पटापट। उसके बाद ये है एक स्टार फ्रूट, ठीक है, ये अब आपको दिखाऊंगा, हमारे आसपास यहाँ होता नहीं है लेकिन मैंने इसकी पिक्चर डाउनलोड की है आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये एक क्या है, ये भी एक टेबल है और इसके नीचे दो खिड़कियां। इस पेज पे हमें समझाने की कोशिश यहाँ भी की गई है कि ये जो प्रेशर कुकर है आपका, ये हमें ऊपर से ऐसे दिखेगा, जो चप्पल है ये हमें ऊपर से ऐसे दिखेगी, ये जो स्टार फ्रूट है ये हमें ऐसे दिखेगा, जो टेबल है हमें ये ऊपर से हमें ऐसा इसका बॉक्स बॉक्स दिखेगा, ऊपर से हमें इसका एक रेक्टेंगल टाइप में इसका बोर्ड दिखेगा। अब मैंने इनकी पिक्चर भी डाउनलोड की है, वो भी तो आपको और अच्छे से समझ। हम इसको साइड से दिखेंगे तो आप देख लें कैसा आपको दिख रहा है, बिल्कुल पिक्चर में क्लियर हो गया ना चीजें देखने की। अब हम इसको ऊपर से देखेंगे, इसका टॉप व्यू, वो भी मैंने आपको डाउनलोड करके पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है कि ऊपर से जब देखेंगे तो ये हमें ऊपर का हिस्सा दिखेगा सिर्फ गोल, ठीक है, और हैंडल दिखेगा, ठीक है, आगे इसकी छोटी सी जो नोच है ये दिखेगी। ये हमारा इसका टॉप व्यू है और ये प्रेशर कुकर का साइड व्यू है। ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जो हमारा स्लीपर का मतलब चप्पल का, देखो प्यारे बच्चों, ये जब हम उसको ऊपर से टॉप व्यू में देखेंगे तो अब इसके फीते ऊपर से दिखाई देंगे हमें, और जब हम इस चप्पल को साइड से देखेंगे तो साइड में ऐसे रखी हुई दिखेगी ना, ऐसे लंबी, देखो
लंबी दिखाई दे रही है और ऊपर से हमें इस तरीके से, आप पिक्चर में खुद भी देख के इसको समझ सकते हो, देखने का एंगल, ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है, ठीक है। ये हम एक तरफ से देख रहे हैं, ये हम ऊपर से देख, जो हमारा बताया गया वो है ये स्टार फ्रूट। ये प्यारे बच्चों देख लो कैसा दिखता है, ये मैंने इंटरनेट से इसकी फोटो देखी है और देखे ये सामने से नहीं, ये इसको साइड से देखेंगे तब ऐसा दिखेगा। ये देखो साइड का पोज, इसका साइड से ऐसा दिखता है और ऊपर से, ऊपर से जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टार हो, है ना। तो ये स्टार फ्रूट है, इसको भी ऊपर से और साइड से एक तरफ से देखने का अलग व्यू बनता है। चलो कुछ काम करें, अब हमें कुछ काम बताया गया है, अब क्या काम करना है देखें। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है, वह कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढना चाहती है, क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो। अब देखो ये जो कैट है ये ऊपर से छत के पास में जो खिड़की है उस खिड़की से झांक के देख रही है कि इसमें टीचर कहां है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है कि हमें इसको ढूंढना है, बताना है कि जो टीचर है वो कहां है, कौन सी तरफ खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम छत के ऊपर से रास्ते में आने जाने वालों को देखते हैं तो ऊपर से जब हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो बनेगा किसी इंसान को देखने का, वो देखो मैं अपना दिखाता हूं आपको, हमारा सिर्फ ऊपर से हेड दिखेगा और कंधे दिखेंगे, ठीक है। अगर हाथ हमारे ऐसे सीधे हो तो देखो, आप देखो, देखोगे तब सबको समझ आएगा ऐसे, है ना। ऊपर से देखते हैं तो सिर्फ हमारा हेड और कंधे ही दिखते हैं ना, उससे ज्यादा हिस्सा हमें नहीं दिखेगा। कोई भी इंसान अगर गली से गुजर रहा है और आप ऊपर छत पे खड़े तो आप देखना, सामने से आता दिखेगा तो अलग व्यू होगा, लेकिन वो बिल्कुल जब हमारे नीचे होगा तब हम उसको देखेंगे तो हमारे, हमें सिर्फ उसका हेड और दोनों शोल्डर ही दिखते हैं। ये बेंच रखे हैं आगे, ठीक है, बेंच पे बच्चे बैठे हैं और ये देखो बच्चों के हेड जो सिर है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सामने है टेबल है, आगे चेयर है, तो टेबल चेयर के पास तो मैम ही खड़ी होती है या सर खड़े होते हैं ना, तो ये टीचर खड़े हैं और इनका हेड और ये शोल्डर कंधे दिख रहे हैं, और आगे क्लास में आगे तो टीचर पढ़ाते हैं, तो देखो ये इसमें कहा है टीचर, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये जो शेप हमें दिख रही है ये टॉप व्यू से, ये इसमें टीचर है, ठीक है। अब आगे प्यारे बच्चों नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी। जो हमें कुछ पिक्चर दिखाई गई है, कुछ तस्वीर दे रखी है, अब नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें इनका व्यू बताना कि कौन सी तरफ से देखने पर ये ऐसी दिखेंगी। सबसे पहले देखो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे का जो स्टाइल का दे रखा है ना, और ये हाथ रख के ऊपर चढ़ने का है, तो ये क्या चीज है, सीढ़ी, क्या है, सीढ़ी स्टेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर ये हमें किधर से दिखने के लिए जो है साइड व्यू है, SIDE साइड, साइड से हमें एक तरफ से देखेंगे तो सीढ़ी हमें ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब ये देखो ये सीढ़ी, अब हमें सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तैयार है, यहां से हम चढ़ के इसके ऊपर जाएंगे, तो हम कहां खड़े हैं इसमें, इस सीढ़ी के हम बिल्कुल सामने फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, सामने से, और ये साइड मतलब एक तरफ, एक तरफ से। उसके बाद ये जो हमारी मेज है, तो ये मेज का जो है हमें किधर से दिख रही है, ऐसी कब दिखती है, जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, है ना, इसका टॉप, टॉप से, टॉप मीनिंग ऊपर से, ऊपर से जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसी दिखेगी। अब ये देखो ये एक कुर्सी की पिक्चर दे रखी है, तो इसकी कुर्सी के देखो ये बैठे की गद्दों वाली है, ये हाथ रखने का, हाथ रखने का स्टैंड है, ये साइड में पीछे पीठ लगाने के लिए इसके, ये इसकी टांगे हैं। तो चेयर हमें किधर से दिख रही है, ये भी हमें साइड से दिख रही है ना, SIDE साइड मतलब एक तरफ से, एक तरफ से, ठीक है। उसके बाद पेंसिल, ये क्या है पेंसिल, कैसी पेंसिल है भैया, पेंसिल बिल्कुल सामने से, जब ऐसे हमारी पेंसिल होती है लिखने के लिए वो बिल्कुल सामने से जब आप देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी। जब ये पेंसिल को ध्यान से देखना, सीधी हुई नहीं होगी तो उसकी ऐसी तरीके की साइड होगी, ठीक है। तो ये हमारा पेंसिल का टॉप व्यू है, तो ठीक है, तो मतलब टॉप मतलब ऊपर का। ऊपर से मतलब टॉप व्यू, ठीक है। उसके बाद ये आगे हमारी अब क्या है, बस दे रखा है, तो बस के टायर दिख रहे हैं, एक तरफ की खिड़कियां दिख रही है ना, साइड साइड से दिख रही है, तो ये एक तरफ से साइड से हमें दिख रही है, कौन सा एंगल है, SIDE साइड से मतलब एक तरफ से, एक तरफ से, एक तरफ से हमें दिख रही है ना, साइड व्यू इसका हमें मिल रहा है। कुछ चीजों को ऊपर से देखो, अब कुछ चीजें जो हमें टॉप व्यू से मतलब ऊपर से दिखेंगी
उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीजों के चित्र है, ठीक है। क्या आप जो ड्राइंग बनाओगे वो अपने फ्रेंड से आपको पूछना कि ये मैंने बना दिया अभी, मैंने तो टॉप व्यू से बनाया, ऊपर से बनाया, ये है क्या। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आप वैसे इसको समझ जाओगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक है, एक सिर पे उड़ने की कैप है ना, वो ऐसी होती है। अगर मैं इसको, ये तो इसका साइड व्यू हो गया एक तरफ से, अगर मैं इसको बनाऊंगा टॉप व्यू से, टॉप व्यू पे तो ये ऐसे दिखेगी ना, ये ऐसे लगेगा टॉप व्यू पे, ये बेटा ये प्यारे बच्चों ये है तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। और अगर मैंने इसको एक सर्कल बना दिया, अब ये क्या हो सकता है, ये तो एक ग्लास भी हो सकता है, क्योंकि ग्लास अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें बिल्कुल उसकी किनारे किनारे है ना सर्कल में गोल गोल वही दिखेगी। अगर मैंने इसको आगे से इधर एक हैंडल लगा दिया, ये हैंडल लगा दिया तो अभी क्या बन गया, ये चाय का कप भी हो सकता है, ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो ये क्या बन गया, चाय का कप बन गया है ना। और देखते हैं एक और चीज, मेरे को अच्छी चीज बनानी आती है, चलो मैं बना दिखाता हूँ, ये देखो क्या होगा, ये बन गया हमारा एक कछुआ, कछुए का कौन सा व्यू हो गया, बिल्कुल टॉप व्यू, ऊपर से कछुआ ऐसा ही दिखता है। आप भी ऐसे कुछ अलग अलग चीजें बना के अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि ये देखो बताओ कि कौन सा व्यू, और आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ये करना है प्यारे बच्चों, आपको आपको खुद से बनाना है ऊपर का व्यू, टॉप व्यू। इसके लिए आप अपने घर पे अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं, भैया दीदी की भी मदद ले सकते हैं,